आज है मंडे और आज है हमारे कृष्ण भगवान का बर्थडे। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है 5:20। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले गुड इवनिंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। मैं सर धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। आपका फिर से नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, वो आपको मैं वहीं पहुंचकर बताऊंगा। थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, अभी 5:25 के आसपास हो चुका है और मुझे पहुंचना है, थोड़ा बहुत टाइम बाइक पर भी लगेगा। तो चलिए फिर सीधा मिलता हूं मैं आपको बाइक पे। और बंदर हमारा स्वागत करते हुए, नगर निगम भरतपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये गेट अभी नए बने हैं भरतपुर के चारों कोने पर। 5:30 बज चुके हैं, हम थोड़ा सा ब्लॉगिंग के चक्कर में डिले हो गए। पहले 5 बजे का प्लान कर रहा था मैं, लेकिन 5 बजे मैं नहीं पहुंच पाता क्योंकि 4:30 बजे मैं शॉप से घर पहुंचता हूं, फिर घर पर रेडी होने में टाइम लगता है, कैमरे वैमरे सबको सेट करने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर निकलता हूं। तो फिर मैंने उसको रिशेड्यूल किया टाइम को और दोबारा 5:30 का टाइम रख दिया था। 5:30 हो चुके हैं, आई होप कि एक दो राइडर और पहुँच गए होंगे। डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा मार्केट में होके निकलना पड़ेगा। और ये आगे हमारा बिजलीगढ़ चौराया, इसको बिजलीगढ़ चौराया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बिजलीगढ़ है जहाँ से भरतपुर की पावर सप्लाई होती है, इसलिए इसको बिजलीगढ़ कहते हैं और ये काफी पुराने समय से बिजलीगढ़ के नाम से ही फेमस है। एक्चुअली क्या है कि मार्केट थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है क्योंकि रोड ज़्यादा है नहीं चौड़ी और ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, तो इस वजह से कंजेस्टेड हो गया है। नहीं, पहले तो ये और भी कम था, उसके बाद मुझे खूब याद है फिर इसको रोड को और चौड़ा किया गया, उसके बावजूद भी अब फिर दोबारा कम महसूस होने लग गया है कि हाँ भाई इसमें अभी और चौड़ाई होनी चाहिए। और ये हमारा चौबड़जा बाज़ार, यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ रहती है। यस, भजन रात श्याम सपने में आयो, यहाँ पर बिल्कुल 100% भीड़ रहेगी क्योंकि श्रद्धालु हैं आज। और यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर जो भरतपुर का है, बिहारी जी मंदिर, वो है यहाँ पे और इसी वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ है। ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद है और ये अच्छी बात। तो हम जा रहे हैं तोप वाले हनुमान जी की तरफ, ऊपर किले पर चढ़ाई है और इसको मैं काफी दिनों से घर की तरफ से देखता था। जय हनुमान जी महाराज, सामने हनुमान जी दी है हमको। सबसे पहले कपिल भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि ये जो जिस जगह हमको आज लाए हैं ना, इस जगह से मेरे नानू के थ्रू आप जगह देखना कितनी शानदार लोकेशन पे है। और पीछे हनुमान जी की मूर्ति और चारों तरफ, एक बार कैमरे से दिखा देता हूँ और देखो मेरे पीछे क्या रखा हुआ है, तोप है, तोप तोप है। इस पर कुछ लिख रहा होगा तो बताऊंगा, अभी तो तोप ही तोप दिख रही है। ये तो है आपका गंगा मंदिर, उसके बाद आपको वो दिख रही है जामा मस्जिद और अब उधर इधर इसी के पीछे एक अपना एक लक्ष्मण मंदिर है, वो यहाँ से दिख रही है क्योंकि बिल्डिंग्स काफ़ी बन चुकी हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हो आप, ये बिहारी जी का मंदिर है। इसके बाद वो जो देख रहे हो आप, किशोरी महल है। और वो जो टंकी है उसके पीछे जवाहर बुर्ज है और ये है टाउन। तो एक्चुअली आज जन्माष्टमी है तो चारों तरफ लाउड स्पीकर का शोर है जो आपको सुनाई देगा, तो थोड़ा सा वॉइस में कंप्रोमाइज कर लेना, जैसी आ जाए उसमें एडजस्ट कर लेना। और ये हैं हमारे तोप वाले हनुमान। तो मेरे पीछे जो तोप वाले हनुमान जी की जो मूर्ति है, वो अगर आप देखोगे ना तो वो शहर की तरफ देख रही है, जैसे कह रही है कि हाँ आपके ऊपर मेरा आशीर्वाद है और आप आराम से बिंदास अपनी लाइफ जियो। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लोकेशन पर है और बहुत काफ़ी ऊंचाई पर है। इस जगह से भरतपुर का भी बहुत शानदार आ रहा है, ऊंचाई से सेंट पीटर स्कूल भी दिख रहा है और उसके पीछे हमारा आशियाना है। तो बहुत ही अच्छी शानदार जगह है ये और देखिए आप क्या बात है, ऑसम। चलिए तो अब नानू को ऊपर भेजने का वक्त आ गया है, ऊपर उसको फ्लाइंग करवाते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का बेहतरीन नज़ारा नानू की नज़र से। चलिए तो पहले ड्रोन शॉट का आनंद लीजिए, तब तक हम थोड़ा सा चिल कर लेते हैं। आप
समस्या समस्या समस्या, दो दिन लगातार समस्या। टीलैंड का बनाया व्लॉग तो समस्या, आज का बनाया व्लॉग तो समस्या। समस्या क्या कि ड्रोन 15 मीटर से ऊपर नहीं जा पा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत गलत बात है, हमारे चैनल के लिए गलत बात है। फिर भी कोशिश करी उड़ाने की, और आई होप कि आपको ये ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। ज़्यादा बढ़िया नहीं थे, क्योंकि 15 मीटर से ऊपर जो हाइट जाती है उसमें जो ड्रोन शॉट उड़ाने का मज़ा आता है ना, वो किसी में नहीं आता है। छोटी मोटी हाइट पे मज़ेदार नहीं है। फिर भी काफ़ी कोशिश की है, अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ होती जा रही है, लोग शाम को आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम आ चुके हैं घर पे, और आज इतना मूड ख़राब हो गया है कि बस पूछो मत। एक्चुअली पिछले लास्ट ब्लॉग में, टीलैंड वाले ब्लॉग में और इस वाले ब्लॉग में, दोनों में ही ड्रोन को मैं लिमिट से ऊपर नहीं उड़ा पाया, और इस वजह से ड्रोन शॉट जो मेरे हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से आने चाहिए, वो नहीं आ पाए। जो मैं दिखाना चाहता था वो आपको नहीं दिखा पाया। इसके लिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। मेहनत करते हैं और काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो थोड़ी सी निराशा होती है, और फिर सोचते हैं कि अगली ब्लॉग में जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे, फिर वही गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगली बार नहीं होगी 100%, मैं बिल्कुल केयरफुल होके ही काम करूंगा। तो अभी आ गए हैं यहाँ पर, और डाटा ट्रांसफर हो रहा है, आज ही ब्लॉग डाल देंगे। कोशिश करेंगे आज रात तक ब्लॉग डल जाए, क्योंकि आज 12 बजे तक तो हमको जगना ही जगना है। जन्माष्टमी है कृष्ण जी की, और उसको सेलिब्रेट भी करेंगे, और अपना ब्लॉग भी आपके लिए प्रॉपर तरीके से करके बना के जो भी अच्छा हो पाया है वो बना के आपको देंगे। मेरा प्रयास है आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देना, बढ़िया से बढ़िया लोकेशन दिखाना, और आपको एंजॉय करवाना। आप घर में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं मेरी वीडियो, उसका आनंद ले सकते हैं। और वीडियोस का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जब करते हैं तो बगल में बेल आइकन आता है, उसको दबा लो, जिससे आपको मेरी वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर रेडी करते हैं, और फिर दूसरे ब्लॉग में तैयारी करते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे, और कृष्ण भगवान का दुआ आशीर्वाद और प्यार हम सब लोगों के ऊपर बना रहे, मेरी सिंह फैमिली के ऊपर बना रहे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।